हेलो दोस्तों वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट अफेयर्स पार्ट एंड करंट अफेयर्स पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग टू वर्टिकल्स प्राइमरली वन इज द समिट्स एंड अदर वन इज द स्पोर्ट्स इनको छोड़ के बाकी जितने भी वर्टिकल्स हैं उनको मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जैसे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस पीपल इन न्यूज डिफेंस गवर्नमेंट स्कीम्स ऑबिच्यज रैंक्स बायोडिवर्सिटी अवार्ड्स इन सारी चीज़ों को हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एट द सेम टाइम इनका मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ऑन द क्वेश्चन पिटारा सो क्वेश्चन पिटारा में करंट अफेयर्स में जाकर इनके मॉक टेस्ट दीजिएगा एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम सो लास्ट के दो मेरे वर्टिकल्स फॉर द मंथ ऑफ जून वी स्टार्ट क्विकली तो सबसे पहले हमारे पास आ गए वेयर इज फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 बीइंग हेल्ड द आंसर इज कोची कोची में यह हुई थी फ्रॉम जून 26 टू 28 एंड इट और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग एनडीडीबी आई डी एफ एंड समिट फोकस इज ऑन फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ हु एमर्स विक्टोरियस इन द स्क्रिप्टल स्पेलिंग बी द आंसर इज ब्रहुद सोमा ब्रहुद सोमा ट्वेल्व ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन सेवंथ ग्रेडर फ्रॉम फ्लोरिडा एमर्ज विक्टोरियस एट द प्रेस्टिजियस नेशनल स्पेलिंग बी ये हुआ था एंड इन अ रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ स्पेलिंग प्रोनेस सो दिसन इन द एवॉर्ड्स कैटेगरी पर ये यहाँ पर आ गया है इसमें सबमिट्स में सो कोई दिक्कत नहीं आगे चलते हैं इंटरनेशनल आगे हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेटो सो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरल ऑफ द नेटो इज मार्क रूट द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो नोइंग टू हिज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमैटिक स्किल्स रूट इज अपंटेड अपॉइंटमेंट कम्स थ्रू द क्रिशियल टाइम ऑफ नेटो और हिज लीडरशिप इज एक्सपेक्टेड टू सेंटर transatlantic -Atlantic relations and foster consensus within the alliance next is uh, which country recently became 100th full member of international solar alliance the answer is paraguay paraguay recently ach achieved the full membership status of international solar alliance yes solar by joining isa paraguay aligns itself with the initiative aimed at accelerating so solar energy deployment Ye jo ISA tha, it was launched jointly by India and France during COP21 to facilitate and transfer and finance the solar projects and energy globally. Where is the 64th International Sugar Organization Council meeting being held? The answer is New Delhi. Next, which country did India discuss revitalizing energy sector cooperation with? The answer is Libya. India held the discussion with the Libya to revitalize Energy Sector Cooperation during the meeting between Pankaj Jain, Secretary of Indian Ministry of Petroleum and Muhammad Khalil Issa, where is the 60th meeting of subsidiary bodies SB 60 scheduled to take place? The answer is Germany. The subsidiary body 60 is scheduled to take place in Bonn, Germany from 10 to 13 June. ये किसके अंदर है ये आती है अंडर यू एन एफ ट्रिपल सी एन एफ ट्रिपल सी जैसे हमने बात की ट्वेंटी एशिया पैसेफिक रीजन कंक्लूडेड इन सिंगापुर इट्स एन एनुअल इवेंट इन विच कंट्री डिड कजा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हेड ऑफ द स्टेट सबक प्लेस द आंसर इज जॉबिया That Gaza 2024 Head of the State Summit concluded in Zambian Resort Town of Livingstone. Which country will host 81st International Air Transport Association IATA annual general meeting in 2025? The answer is India. India is set to host prestigious 81st IATA annual general meeting. Where was the India's first ever astro-tourism event, Nakshatra Sabha, organized? द आंसर इज उत्तराखंड तो ये जो आपके पास चला था ये उत्तराखंड से चला था विच एलाय लॉन्च ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर द आंसर इज बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस वॉज फॉन्ड बाय इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स साउथ कोरिया जापान एंड यूरोपियन यूनियन ड्यूरिंग दिस एंड सैन डियागो

इटली में जी सेवन समिट हुआ था इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दिस एनअल समिट हेड फ्रॉम जी सेवन कंट्रीज विद यूरोपियन यूनियन टू डिस्कस ग्लोबल चैलेंज एंड फॉर्मुलेट जॉइंट इनिशियटिव इंडिया वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर इट वेयर वॉज द रिसेंट द पीस इन यूक्रेन हेल्ड द आंसर इज स्विट्जरलैंड जिसमें रशिया को इन्वाइट नहीं किया गया था सो दीज आर द फ्यू नॉट फ्यू बट एग्जॉस्टिव समिट्स विच हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून नाउ कमिंग टू द स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में हमारे पास जून के महीने में क्या क्या हुआ था विच कंट्री हैज़ हैजॉइंड न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉडी तो आंसर इज इंडिया इंडिया हैजन सिग्निफिकेंट स्टेप बाय एग्रिंग टू ज्वाइन वर्ल्ड बॉक्सिंग अलीब्लिश गवर्नमेंट अंडर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आई यूएस which country lifted the icc t20 world cup 2024 by defeating south africa the answer is india india ne haraya tha who recently became the first indian woman cricketer to score consecutive centuries in odis the answer is smriti mandhana which country hosted archery world cup 2024 the answer is turkey the archery world cup stage 3 was hosted in turkey specifically in antalya है और इंडिया मेडल्स इंडिया इन 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 ब्रिक्स ब्रिक्स गेम गेम रशिया आंसर एट कजान रशिया इसमें तीन गोल्ड छह सिल्वर और बीस ब्रॉन्स मेडल लिए हैं फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर ट्वेंटी फोर पैरिस इन विच इवेंट डिना जेम्स विन गोल्ड मेडल है आंसर इज रियाल मेड्रिड हु गोल्ड मेडल इन द मैं टेन मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट आई एस एस एफ वर्ल्ड कप म्यूनिक द आंसर इज सर्बजोत सिंह यह बाद में जाके इन्होंने ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्स जीता था Who won the gold medal in javelin throw in Taiwan Athletics? The answer is DP Manu with a throw of 81.58 meters. Who emerged victorious in the men's single finals at French Open 2024? The answer is Carlos Alcaraz. In you know, a defeat, Alexander Zaverevko, uh, who claimed his title at the prestigious Norway Chess Tournament. The answer is Magnus Carlsen. Who won the Canadian Grand Prix 2024 for the third consecutive year? The answer is Max Verstappen. Who won Heilbronn Neck Cup 2024 ATP Challenger Tennis Tournament? answer is Sumit Nagpal. Sumit Nagpal clinched the Heilbronn Neck 2024 ATP Challenger Tennis Tournament in Germany. Where will the MotoGP Bharat event be hosted from 2025 until 2029? The answer is Noida. Against which country Indian deaf cricket team play its first ever bilateral T20 series? Answer is England. Which country has been selected to host 2025 FIH Hockey Men's Junior World Cup? The answer is India. Who recently became first Indian rider to win three-star Grand Prix event in dressage? The answer is. Shruti Vora. Who won gold medal in the men's javelin throw at a Pavo Nurmi Games in 2024? Answer is obvious Nira Chopra. Next is who won FIDE under 20 girls' world chess championship 2024? The answer is Divya Deshmukh. Who was the first Indian? To win three star Grand Prix in equestrian? The answer is Shruti Vora made history as the first Indian to win three star Grand Prix event in FEI Dressage World Cup in Lipika. Who won gold medal at the World Parathlete Grand Prix in Notville City, Switzerland? The answer is Saurabh Sharma. In which sport did Ritika Huda win silver medal? In Budapest ranking series. Yadrakhega Ritika Huda is associated with wrestling. Where will the GP Bharat event take place? 2025 to 2029. So the answer is. Nevada. Who became first Indian to win fight in the Ultimate Fighting Championship? UFC. Answer is Puja Tomar. Who emerged victorious in BWF Australian Open? The answer is Lee Zijia. ऑलमोस्ट so, so, जून के सारे वर्टिकल्स हो चुके हैं मिसलिनियस वर्टिकल है जो कि मैं अभी दो दिनों में और लेके आऊंगा नेक्स्ट विल बी द जुलाई करंट अफेयर कंप्लीट जुलाई एंड ऑगस्ट करंट अफेयर सो कीप प्रिपेयरिंग मॉक में जाइएगा एंड ऑल्सो टू अनाउंस डेट वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द पी वाई क्यूज सो पी वाई क्यूज भी दीजिएगा इन द रिस्पेक्टिव सेशन और वर्टिकल्स इन द ऑफ क्वेश्चन पिटारा इन एन डी एंड सी डी एस सेक्शन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंडिवर्स जय हिंद जय भारत दोस्तों